हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज से हम एक छोटी सी प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट एंड रीडक्स को यूज करके हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आप रिएक्ट को सीखना चाहते हैं और रीडक्स के साथ काम करना नहीं आता, देन आपको ये सीखना ही पड़ेगा। आज के टाइम में रीडक्स के साथ ही सारे प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं। जब आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर उसको कंपेयर करें अगर रीडक्स के साथ, वो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। दोनों की कोडिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए इसको बहुत ही बेसिक से सीखना पड़ेगा आपको। हम इसीलिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीडक्स एंड रिएक्ट जेएस को यूज करके। साथ में हम बैकएंड भी सीखेंगे। रीडक्स को सीखने के लिए हमारे लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएंगे उतने ज्यादा आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, उतने जल्दी आप रीडक्स को सीख सकते हैं। इसीलिए हम ये वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट प्रोजेक्ट है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, धीरे धीरे करके एडवांस प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे। तो जहां से हम आज स्टार्ट करेंगे, टू डू लिस्ट के साथ या टास्क मैनेजमेंट इसको बोल सकते हैं। साथ में फिल्टर्स लगाने भी सीखेंगे, जितने भी हमने ऑपरेशंस क्राउड ऑपरेशन करने हैं वो हम सीखेंगे, स्पेशली रीडक्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फर्स्ट वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले डिजाइनिंग करनी है, जो भी आपको लुक चाहिए पहले वो डिजाइन किया जाता है। तो रीडक्स को हम बाद में देखेंगे, पहले छोटा सा डिजाइन ही बनाते हैं। एक डैशबोर्ड नाम का पेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे आना है सोर्स पे, डैशबोर्ड। मैंने यहाँ पे राउटिंग की है पहले से ही, तो आप भी यहाँ पे राउटिंग कर देना। अगर नहीं भी करनी तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं अपना पेज, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो डैशबोर्ड को। चलिए यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड पे। ये हमारा जस्ट फ्रंट एंड है, डिव लगा के इसको एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं, कंटेनर H1 में टू डू टास्क एक लगाएंगे, इनपुट फील्ड जिसके अंदर हम टास्क ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे एक, जहां पे हम प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं साथ में, एंटर टास्क, साथ में एक लगेगा बटन जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऐड कर पाएंगे टास्क को। तो ये आ गया, सीएसएस इसके हटा देती हूँ, सीएसएस मैंने ऐड की हुई है। तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे कुछ भी फिल करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया मेरे पास टास्क ऐड होने चाहिए। साथ में हमने फिल्टर भी लगाना है, फिल्टर मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ बटन्स होंगे, जो भी टास्क हमने कंप्लीट किया है वो नजर आए, जो पेंडिंग है वो नजर आए, ये फिल्टर हम लगाएंगे। तो बटन के बाद एक डिव स्टार्ट करो, बटन लगाओ। पहला बटन होगा ऑल का, इस पे क्लिक करेंगे ऑल टास्क का नजर आने हैं। एक हो गए कंप्लीटेड, जितने आपने कंप्लीट किए हैं। एक होगा पेंडिंग का, जितने पेंडिंग टास्क है, बस इतना हमारे पास फ्रंट एंड है। अब जहां पे एक हमें चाहिए एरिया जिसके बीच हम वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमने इसको शो कराना है, तो लिस्ट हम क्रिएट कर देंगे बाद में जब इसको हम ऐड करेंगे। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, एक लिस्ट बना ही देते हैं। इस डिव के बाद यूएल क्रिएट करो, यूएल के बाद जस्ट LI लगा देंगे, इसमें कुछ भी अगर फिल करेंगे चेक कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा डेटा, इसको हटा दो। ये तो हो गया हमारे पास, ये रेडी। अब एक एक करके वर्किंग करते हैं। सबसे पहले तो इनपुट फील्ड है, इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो हम जहाँ पे ऐड करेंगे एक तो वैल्यू, क्या टास्क हम फिल करेंगे उसकी वैल्यू गेट करनी है, तो इसका नाम टास्क ऐड कर देते हैं। ये टास्क हम डिफाइन कर देंगे, एक लगा दो यहाँ पे ऑन चेंज, ऑन चेंज तो लगेगा ही। यहाँ पे इसके बीच हम कर देंगे सेट कर दो टास्क को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये नाम कुछ भी हो सकता है सेट के साथ। मैंने यहाँ पे टास्क के लिखा है, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट बना के एक स्टेट बना देते हैं जिसका नाम हम टास्क रखेंगे, सेट टास्क। यूज स्टेट यहाँ पे लगा दो, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। अब जो भी इनपुट फील्ड के अंदर टास्क ऐड करेंगे वो आ जाएगा इसके बीच, इनपुट फील्ड का काम खत्म। अब बारी आती है बटन की, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा
तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा जिसका नाम हम रखेंगे हैंडल। इसका नाम जैसा करते हैं ऑन क्लिक कर डायरेक्ट बना देते हैं, जहां पे ऐसे फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं। हैंडल ऐड टास्क, बस ये हमारा मेन फंक्शन होगा। इसको कॉपी कर लो, पहले इसकी वर्किंग करेंगे। यहां पे आके पहले इसको डिफाइन करो। चलिए, अब सबसे पहले हमने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे टास्क हमारे ऐड होने चाहिए, तो वो काम हम करेंगे रीडक्स के साथ। जितनी इसकी वर्किंग है वो सारी रीडक्स के साथ होनी है। टर्मिनल ओपन करना है, आपने फोल्डर के अंदर जाना है, जो आपका फोल्डर होगा आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है रीडक्स को। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी npm इंस्टॉल रीडक्स, हमें कंप्लीट टूल किट चाहिए इसकी, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। रिएक्ट रीडक्स आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। एंटर करेंगे, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है जी। ये जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे आपके पास रीडक्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्शंस वगैरह बनाने हैं वो तभी वर्क करेंगे जब ये इंस्टॉल होगा। इसको ऐड करना है आपने अपने मेन फ्रंट एंड पे, इंपोर्ट करना है। एक होता है यूज डिस्पैच, एक होता है यूज सिलेक्टर। ये क्या करेगा, इसको पहले इंपोर्ट करो कहाँ से, फ्रॉम जो आपने अभी इंस्टॉल किया है रिएक्ट रिडक्स से। ये दोनों मिलके काम करेंगे, किसके साथ मिलके काम करेंगे, स्टोर के साथ। अब जहाँ पे रिडक्स के बीच एक स्टोर हम क्रिएट करते हैं, एक्शंस होते हैं, रिड्यूसर होते हैं। अब जो इस टाइम हम यूज करते हैं रिडक्स, वो पहले के मुकाबले काफी इजी हो गया, पहले बहुत ही मुश्किल था, अब इसका सिंटेक्स काफी इजी हो गया, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ये दोनों मिलके काम करेंगे स्टोर के साथ। स्टोर ही इसके अंदर मेन होता है रीडक्स के अंदर, जहां पे एक हम कॉमन स्टोर यूज करते हैं, मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स उस स्टोर को यूज कर सकते हैं। तो ये डिस्पैच एंड सिलेक्टर दोनों मिलके जो भी हमें चाहिए स्टोर में से, जो भी डेटा चाहिए वो उन दोनों को हैंडल करेगा। वहां से सिलेक्ट भी करके लेके आएगा डेटा, डिस्पैच करेगा उसको वर्किंग में लेके आएगा। तो दोनों मिलके काम करेंगे स्टोर के साथ। स्टोर हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हमें यहाँ पे आना है, जो बटन क्लिक के ऊपर हमने बनाया है। इफ सबसे पहले कंडीशन लगा दो नॉट टास्क, इसका मतलब है अगर किसी ने इनपुट फील्ड ब्लैंक ही यहाँ पे लिखी है, कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं किया, मैंने ऐसे ही टास्क पे क्लिक कर दिया कुछ एंटर नहीं किया, इसका मतलब वो हमें ब्लैंक रिटर्न करेगा, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एड है तो वो हम कर देंगे डिस्पैच। तो यहाँ पे लिखो डिस्पैच, ये वाला जो डिस्पैच है हम इसको एक नाम देते हैं जो आपने जाके बनाना है रीडक्स के अंदर। ये नाम मैं दे रही हूँ इसको ऐड टास्क। ऐड टास्क का एक अलग से बनेगा, एक आपने डिलीट करना है, अपडेट करना है, उनके अलग से हमने फंक्शन बनाने हैं जैसे पहले हम बनाते हैं, लेकिन हमने रीडक्स के अंदर बनाने हैं। डिस्पैच नाम दे दिया, मैं चाहती हूँ डिस्पैच करो इसको। ये वाला जो डिस्पैच है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच हमने अपना जो यूज डिस्पैच है वो ऐड करना है। कॉन्स्ट डिस्पैच जो आपके पास आपने इंपोर्ट किया है यूज डिस्पैच, उसको ऐसे लिख दो। अब आपके पास जो यूज डिस्पैच है उसको आप अपने खुद के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल को मैं यूज करूंगी डिस्पैच के साथ, इसका मतलब होगा डिस्पैच का कि मेरे पास जो स्टोर होगा वहां पे ये वाला कुछ होगा एड टास्क नाम का, वो वर्किंग में आ जाए जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा। उस कोड के अंदर जो भी होगा आईडी के साथ मैंने वहां पे स्टोर करना है। ये सिर्फ इसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये कोड लगेगा। डेट डॉट नाउ मतलब जो करंट मैंने टास्क ऐड किया है वही ऐड होना चाहिए। टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर हम रखेंगे टास्क। टेक्स्ट क्या होगा, टास्क टास्क क्या है जो हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर। देन उसको कंप्लीटेड हम बोल देते हैं, कंप्लीटेड फॉल्स। जब वो ऐड होगा टास्क को वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, जी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने फिल्टर लगानी है ना, जे वाले जो हमने बटन लगाए हैं कि कंप्लीटेड है या पेंडिंग है, उसको मैं कंप्लीटेड पहले फॉल्स रखूंगी। इसका मतलब है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसके ऊपर क्लिक करूंगी तब वो कंप्लीट बनेगा। अगर पहले से ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब पहले से वो कंप्लीट होगा। उसके बाद सेट कर दो टास्क को ब्लैंक, इनपुट फील्ड आपकी ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एरर देखो क्या है, जो हमने डिस्पैच वगैरह यूज किया है, पहले तो ये वाली एरर सॉल्व करना सीख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप रीडक्स यूज करते हैं इसको रैप करना पड़ता है,
रैप करना किसको है, ज्यादातर हम मेन डॉट जीएस फाइल होती है ना उसको रैप करते हैं, दोनों के कर सकते हैं आप, मेन डॉट जीएस पे जाके कर सकते हैं, नहीं तो ऐप डॉट जीएस पे। मैं ऐप डॉट जीएस को कर रही हूँ रैप। जब तक आप रैप नहीं करेंगे, आपके पास जितना भी कोड है रीडक्स का वो वर्क नहीं करेगा, मतलब आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है मेन एप्लीकेशन वो रैप होनी चाहिए। किसके अंदर इंपोर्ट करेंगे हम स्टोर को, जो स्टोर अभी तक हमने बनाया नहीं है, मैं जहाँ पे क्रिएट करूंगी स्टोर को इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से, एक मैं फोल्डर बनाऊंगी रीडक्स नाम का, उसके अंदर एक स्टोर नाम का पेज होगा, वहां से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब रैप देखो कैसे किया जाता है। यहाँ पे आना है अपने, ये वाली मेन एप्लीकेशन है, इधर आके आपने लिखना है प्रोवाइडर, फिलहाल इतना लिखना है, ये प्रोवाइडर कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे ऐड कर दो। ये तो हो गया रैप, लेकिन अभी प्रोवाइडर हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इसको हम ऐड करेंगे स्टोर के साथ। स्टोर आपने मेंशन करना है प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है तो इसको हम सेव करेंगे। अभी भी आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो प्रोवाइडर वाले ही हमारे पास इशू आएगा। पहले मैं स्टोर बना देती हूँ एक, यहाँ पे आपने इसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रीडक्स रखूंगी, इसके अंदर एक पेज बनाना है स्टोर। यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप पूरा रीडक्स एक फाइल के अंदर रख लो अलग से, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वाला मेरे पास एक स्टोर है। ठीक है, तो स्टोर रीडक्स वगैरह जितने हम रिड्यूसर यूज करेंगे एक फाइल के अंदर आ जाएगा। स्टोर क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं अब जहां पे आपको इस अलग फाइल में क्रिएट करना सिखा रही हूँ, आप जरूरी नहीं अलग फाइल बनाएंगे, अगर आप एक फाइल ही बनाना चाहते हैं सारे रिड्यूसर, आप स्टोर एक फाइल पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने अलग बनाना हो, कोडिंग आपने कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम करनी है, तो आप अलग से बनाओ स्टोर। इंपोर्ट करना है हमने किसको, कॉन्फिग, इसका नाम होता है कॉन्फिगर स्टोर। कॉन्फिगर स्टोर हमारे पास बना बनाया इसकी एक टूल किट है, कहाँ से इंपोर्ट करना है मैंने, फ्रॉम एट द रेट रीडक्स है मेरे पास, रीडक्स जेएस, उसके अंदर टूल किट होगी कोई, ऐसे इंपोर्ट किया जाता है कॉन्फिगर स्टोर को। जो हमारे पास स्टोर होगा उसको कॉन्फिगर करेगी ये लाइब्रेरी। इंपोर्ट करो एक, मैं जहाँ पे बनाऊंगी इसको फिलहाल हम रहने देते हैं क्योंकि अभी तक हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, जस्ट हम स्टोर बनाते हैं। कॉन्स्टेंट में क्रिएट करना है स्टोर नाम का, जो आपके पास ये वाला है इसको कॉपी करो, जिसका सिंटेक्स है ठीक है। रिड्यूसर यहाँ पे रखेंगे हम, अब इसके अंदर रिड्यूसर बनाया जाता है, रिड्यूसर को डिफाइन हमने बाद में करना है। यहाँ पे मैं रखूंगी एक टू डू से नाम देना है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, टू डू रिड्यूसर। एक आपने जो स्टोर बनाना है उसके अंदर रिड्यूसर बनाया जाता है, तो रिड्यूसर का नाम जो कुछ भी हो सकता है, इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में, यहाँ पे डिफाइन नहीं करना, बस इसको एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। अब जब भी हमने पूरे कोड को यूज करना हो तो हम यहाँ पे स्टोर यूज करेंगे, बस ये वाला रिड्यूसर हम बाद में क्रिएट करेंगे, आपका स्टोर हो गया रेडी, बस इतना से होता है स्टोर। अभी हम आते हैं जहाँ पे, अभी इसको हमने इंपोर्ट करना है प्रोवाइडर को, इंपोर्ट करो प्रोवाइडर को कहाँ से, रिएक्ट रीडक्स से। अब यहाँ पे जो हमारे पास वो एरर आ रही थी ना वो नहीं आएगी, अभी हमारे पास एरर आ गई जो हमने रिड्यूसर बनाया है, क्योंकि वो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे आउटपुट एकदम से आपके पास नहीं आएगी, सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टू डू रिड्यूसर है ना, वो हमने डिफाइन नहीं किया, ये तो हो गया रेडी। अब एक नया इसी के अंदर बनाएंगे, रिडक्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर एक नया नाम दे देते हैं इसको, जिसका नाम रखेंगे टू डू स्लाइस, ये नाम कुछ भी हो सकता है, पेज एक क्रिएट करना है, इसी के अंदर हमारी पूरी वर्किंग होगी। ठीक है, जब हम यहाँ से आएंगे इसको हम बंद कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है, हमारे पास एप्लीकेशन रैप हो गई है, बस डैशबोर्ड पे आना है। जब कोई बंदा यहाँ से क्लिक करेगा ऐड टास्क ये है ना, अब इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करना है हमें इसके अंदर, यहाँ पे जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो टास्क ऐड होना चाहिए, तो हम आते हैं जहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करो किसको, क्रिएट स्लाइस। अब ये क्रिएट स्लाइस क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉम एक एट द रेट बनाएंगे रीडक्स,
रीडक्स जीएस टूल किट। टूल किट हमारे पास ये मेन लाइब्रेरी है, वहां से हम क्रिएट स्लाइड को इंपोर्ट करेंगे। ये क्या करेगा, जैसे स्लाइसेस हमने क्रिएट करनी है, अलग अलग ऐड करना है, टास्क डिलीट करना है, अपडेट करना है, मल्टीपल हमारे पास फंक्शंस होंगे, टॉगल करना है उसको, जो वर्किंग में लेके आएगा। तो अब यहाँ पे आएंगे हम, जाए आप इसको ऐसे भी नहीं हम लगाते वैसे, इसको बेस्ट तरीका होता है कि आप ऐसे लगाएं, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे टू डू स्लाइस। सबसे पहले तो क्रिएट किया जाता है, क्रिएट करना है हमने स्लाइस, ठीक है, जे वाला जो हमारे पास है इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे, क्रिएट करना है स्लाइस। ये हमें एक क्रिएट करके देगा स्टोर, जिसका नाम होगा टू डूज। अब ये वाला टू डूज हमने लगाया था यहाँ पे, साथ में इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने टू डूज लिखा है ना, बस इसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक यहाँ पे होते हैं इनिशियल स्टेट, हमेशा ही इनिशियल स्टेट लगाई जाती है, जिसका सिंटेक्स है पहले नेम होगा फिर उसके बाद इनिशियल स्टेट। स्टेट के बीच आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, मैंने टास्क सारे ऐड करनी है, तो मैं जहाँ पे ऐसे लिखूंगी एरे के बीच, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं तो वो एरे के बीच आनी है। एक उसके बीच मैंने फिल्टर बनाना है, ऑल, ये ऑल वाला ही होगा, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना ऑल है, पेंडिंग है, तो मैं जहाँ पे ऑल वाला बाई डिफॉल्ट रखूंगी। ये तो जस्ट हमारे पास है स्टोर जो हमने किया था उधर डिफाइन, उसकी वर्किंग है। अब जो यहाँ पे बनाएंगे रिड्यूसर, रिड्यूसर्स बनाएंगे, सबसे पहले ऐड कर देंगे टास्क को, अभी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था इसको बंद कर देते हैं। अब बारी आती है मेन, जे वाला फंक्शन ऐड कर दो टास्क को। कैसे ऐड होगा, तो जे वाला फंक्शन यहाँ पे देखो ऐड करना है टास्क को, एक इसमें स्टेट होती है एक होता है एक्शन, दो हम यहाँ पे पास करते हैं पैरामीटर स्टेट एंड एक्शन। जो हमारे पास स्टेट होती है, स्टेट डॉट टास्क ऐड करनी है, तो मैं जहाँ पे टास्क ऐड करूंगी डॉट पुश। अब जहाँ पे पुश आएगा, पुश करना होता है इंसर्ट करना, नया डेटा आपने पुश करना है, इंसर्ट करना है, एक्शन कॉमा एक होता है पेलोड, ये हमेशा पेलोड ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एक इसके साथ एक्शन जाएगा एक साथ में जाएगा पेलोड। पेलोड को हम डिफाइन करेंगे, ये क्या करेगा, जब भी कोई बंदा जहां से क्लिक करेगा इस बटन पे, ये वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा, जहां पे मैंने इसको बताया कि आईडी के साथ मैंने टास्क ऐड करना है, ठीक है, उसका जो कंप्लीटर है उसको फॉल्स रखेंगे, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट क्या होगा, टास्क, जहाँ पे जो हम टास्क ऐड करेंगे इनपुट फील्ड से, ऐड करने के लिए हम यहाँ पे पुश ही कमांड लगाते हैं। तो अगर हम रीडक्स की बात करें, वैसे जावास्क्रिप्ट में पुश ही यूज करते हैं हम, एडिट मेरे पास ये तो हो गया पुश वाला, इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं, लास्ट में जाके इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट करना है कॉन्स्ट, जो जो आप बनाते जाएंगे फंक्शन, एक मैंने ऐड टास्क बनाया इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं यूज कर पाऊँ दूसरे पेज पे जाके, इज इक्वल टू टू डू स्लाइस डॉट, जहां पे आएगा एक्शन। अब ये आपका एक्शन मेन होगा टू डू स्लाइस से, इसके बीच जो ऐड टास्क है इसको आप कहीं और जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे भी मैं इसको यूज करना चाहती हूँ तो वहां पे जाके इसको इंपोर्ट कर दूंगी, इधर एक्सपोर्ट किया उधर जाके इंपोर्ट करेंगे, साथ में एक्सपोर्ट करो डिफॉल्ट, जो आपके पास टू डू स्लाइस है डॉट रिड्यूसर, दोनों को हमेशा ही एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि आप रिड्यूसर को भी यूज कर पाए और एक्शंस को भी। अब जे वाला जो है इसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करना किधर है, जो आपका मेन डैशबोर्ड होगा, जिधर आपने फ्रंट एंड डिजाइन किया वहां पे आके इंपोर्ट करो इसको ऐड टास्क, ताकि वो वर्किंग में आ जाए, तभी वर्किंग में आएगा जब तक हम इसको ऐड नहीं करेंगे। फ्रॉम मेरे पास रिडक्स वाला फोल्डर होगा, उसके अंदर टू डू स्लाइस है ना, वहां से इंपोर्ट करना है, पहले इसको सेव करो, एक बार इसको रिफ्रेश करो, टू डू रिड्यूसर हमने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे चलते हैं जे वाला, अभी तक हमने रिड्यूसर इसका डिफाइन नहीं किया, रिड्यूसर हमने डिफाइन करना है, यहाँ पे रिड्यूसर जो लिखा हुआ है ना बस इसी के बीच करेंगे, कॉपी कर लो, स्टोर पे आना है आपने, इंपोर्ट करना है टू डू रिड्यूसर को फ्रॉम, हमने रिड्यूसर बनाया किधर है, तो आपके पास जो आपका जे वाला है टू डू स्लाइस,
वहां पे हमने रिड्यूसर बनाया ना, वहां से हम इंपोर्ट कर लेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश करो, हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए फिलहाल। कुछ भी हमें हेलो टाइप करते हैं, ऐड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेन एरर आई है, पे लोड इज नॉट डिफाइंड। ये एरर तब आती है जब आपने कुछ ना कुछ गलत लिखा हो। पे लोड हमेशा हम रिड्यूसर के साथ ही यूज करते हैं। आप एक रिड्यूसर नहीं, बहुत सारे रिड्यूसर बना सकते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने कार्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, अपडेट करनी है, वहां से डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, वो सारे के सारे रिड्यूसर के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोड मेरे पास एक्शन डॉट पे लोड आएगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये आपके पास डिफाइन नहीं है, हमेशा ही एक्शन डॉट लिखा जाता है। एक बार इसको रिफ्रेश करो, अब जाके कुछ भी फिल करते हैं, ऐड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, मेरे पास टास्क ऐड हो गया। कैसे पता चलेगा? एक तो ये इनपुट फील्ड ब्लैंक होगी, मैंने इसको बोला था कि ये इनपुट फील्ड यहाँ से ब्लैंक हो जाए जब भी टास्क ऐड हो जाए। दूसरा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसका मतलब हमारे पास टास्क ऐड हो गया। अब ऐड होके गया किधर? तो हमने इसको शो कराना है डैशबोर्ड पे कराएंगे, जिधर आपने यूआर लिस्ट बनाई है उधर शो कराना है। आपके मेन टास्क सारे किस में है? यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉपी करो, सारे टास्क इसके इसी के अंदर हमने ऐड किए हैं, इसको कॉपी करना है। जिधर आपने प्रिंट कराना है ना, मैंने जहाँ पे यूएल के बाद प्रिंट कराना है, मतलब एलआई लिस्ट के बीच, तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी वो वाला वेरिएबल यहाँ पे लगेगा मैप। आपको रेंडर करना आता है डेटा, तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। एक होगा मैप का वेरिएबल, इसका नाम टास्क रख दो। ये वाली जो एलआई लिस्ट है इसको हम इसके बीच रखेंगे ऐसे, ये होगा इसका सिंटेक्स। अब आपने जहाँ पे जो टास्क ऐड किया है उसको शो कराना चाहते हैं, तो एलआई के बीच कराना है, तो एक जहाँ पे की लगेगी मैप की टास्क डॉट आईडी, आईडी के साथ हमेशा टास्क ऐड किए जाते हैं। स्टाइल वगैरह लगाना हो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रही हूँ। जहाँ पे प्रिंट कर दो बस अपना वेरिएबल टास्क डॉट टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आएगी, मैंने जहाँ पे लिखा था ना कि मुझे वो वैल्यू टेक्स्ट के अंदर चाहिए, जहाँ पे देखो इसका मतलब था जो मेरे पास टास्क बन के आएगा उसको मैं टेक्स्ट के अंदर रखूंगी। अब मेरे पास जो टास्क आया है वो टेक्स्ट के अंदर है, ना कि टास्क के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट तो हो गया कुछ, लेकिन गलत प्रिंट हुआ। एक बार फिर से यहाँ पे चेक करते हैं, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐड किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ रहा है, लेकिन वो सही प्रिंट नहीं हो रहा। वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, स्पेलिंग गलत है अपने आप। यहाँ पे ये हो गया, मैप आना है इसीलिए वो ऐसे दिखा रहा है। अभी भी इसमें हमारे पास एक इश्यू है, पहले एरर देखो क्या है मेरे पास। टास्क डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने टास्क यूज किया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में दो यूज किए थे, एक था यूज डिस्पैच, एक था यूज सिलेक्टर। अब ये यूज डिस्पैच तो मैंने यूज कर दिया, अब सिलेक्टर का क्या काम होगा? तो हमने जहाँ पे सिलेक्टर यूज करना है, सिलेक्टर ही मेन काम करेगा कि स्टोर में से जो हमने कॉमन स्टोर बनाया है, कॉमन एक स्टेट बनाई है, उसको यूज करना है मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स के बीच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे डिस्पैच के ऐसे सिलेक्ट करो कॉन्स्ट, कहाँ से, जो मेरा मेन वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज सिलेक्टर, पहले तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, अब इसके बीच एक स्टेट पास करनी है, स्टेट हमारे पास क्या होगी, स्टेट डॉट एक्शन। एक्शन जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो स्टेट डॉट डॉट मैं यहाँ पे टू डूस लिखूंगी, क्योंकि मेरे पास एक्शन के बीच टू डूस है, तो यहाँ पे आपका मेन वेरिएबल आएगा जो टू डूस के अंदर है। अब ये वाला जो टास्क मैंने लिखा हुआ है इसको कॉपी करेंगे, पहले इसको डिफाइन इधर ही रिफ्रेश करो एक बार, अब वैसे आ रहा है। इस टास्क को हम कॉपी करेंगे, यहां पे आके पेस्ट कर दो, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे आउटपुट आ गई। पहले मैं कुछ भी ऐड करके देखती हूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, अब देखो टास्क बिल्कुल यहाँ पे ऐड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, सिलेक्टर को यूज नहीं करेंगे, तब तक ये वर्क ही नहीं करेगा। यूज सिलेक्टर ने ही वहां से सिलेक्ट करनी है वैल्यू जो हमें चाहिए, वहां से लेके आएगा, डिस्पैच ने उसको यूज में लेके आना है, सिलेक्टर वहां से जाके सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे चलते हैं, नया टास्क को ऐड करते हैं, ऐड टास्क। अभी एक काम तो खत्म हो गया, अभी बाकी जो इसके फंक्शंस है वो भी बहुत ही आसान है। अगर आपने यहाँ पे ऐड वाला कंप्लीट कर लिया,
अब इसके साथ एक बटन क्रिएट करते हैं, दो बटन, जहां पे एलई टैग लिखा हुआ है ना, जिधर आपने रेंडर किया हुआ है सबको, बस वहां पे आपने एक बटन ऐड करना है ताकि हम इसको एडिट भी कर पाए और डिलीट भी कर पाए। ये वाला इसको हम डिब में रख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। एलई के बाद एक डिब स्टार्ट कर देते हैं। डिब के अंदर एक बटन, तीन बटन बनाएंगे हम। पहले के ऊपर हम रखेंगे टॉगल। टॉगल का मतलब है जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो टास्क या तो पेंडिंग रहेगा जहाँ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे एक क्रॉस का निशान बना देंगे, ऐसे बीच में लाइन, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। एक बटन ये होगा, एक बटन होगा एडिट एंड डिलीट का, तो यहाँ पे एडिट करेंगे, एक करेंगे डिलीट। अब जैसे जैसे टास्क आप ऐड करते जाएंगे साथ में बटन ऐड होते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इनकी वर्किंग करते हैं, पहले हम एडिट की करते हैं। चलिए पहले ये वाला कर देते हैं, टॉगल का ऑन क्लिक बनाएंगे, हैंडल टॉगल नाम देना है कोई भी टास्क। अब देखो जब भी आपने किसी चीज को, किसी कंटेंट को आपने एडिट करना है, डिलीट करना है, या इवन किसी के ऊपर आपने क्लिक करके कुछ ना कुछ परफॉर्म कराना है, इसका मतलब वहां पे आईडी यूज होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे टास्क डॉट आईडी। अब इसी को हम करेंगे यूज, कॉपी कर लेना है जहां पे आके इसको, पहले तो डिफाइन करो। टॉगल करने पे आपने वहां पे एक लाइन बीच में रखनी है कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये वाला कंप्लीट हो गया, तो इसको एक आईडी पास कर देंगे। इसके बीच फिर से हम करेंगे डिस्पैच। डिस्पैच करेंगे किसको, एक नया बनाना है अपने फंक्शन, इसका नाम रखेंगे सेट या फिर टॉगल टास्क रख देते हैं, टॉगल टास्क। तो टॉगल करना है टास्क को आईडी के साथ। आईडी का मतलब है अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूंगी जे टॉगल होगा, इस वाले पे क्लिक करूंगी जे टॉगल होगा, मतलब जे कंप्लीट होगा फिर जे कंप्लीट होगा, इसी के साथ हम आईडी हम मेंशन करते हैं। अब जे टॉगल टास्क है, बस इसको कॉपी करना है, बस टू डू स्लाइस है ना, सब कुछ आके इसी के अंदर आपने डिफाइन करते जाना है एक एक करके। और रिड्यूसर के बीच सारा कोड लगेगा, ये वाला जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है हमेशा रिड्यूसर के बीच आती है, कॉमा लगा दो साथ में। टॉगल टास्क करना है, साथ में इसके जाएगी स्टेट, एक होगी स्टेट एक होगा एक्शन। अब देखो इसके ऊपर हम करेंगे क्या, स्टेट डॉट जो मेरे पास टास्क है सारे इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स क्यों पास करेंगे, क्योंकि मैंने पहले पे क्लिक किया पहला ही टॉगल होगा, दूसरे पे क्लिक किया दूसरा, किसको टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास सारे का सारा टास्क है, बस इसको हम कर देंगे अपडेट। अपडेट टास्क ये वाला मैंने को बना दिया फंक्शन, अपडेट करना है तो ये एक फंक्शन की तरह काम करेगा कि हमने इसको अपडेट कर दिया। पहले इसको सेव करेंगे, ये वाला जो अपडेट टास्क है इसको कॉपी कर लो और इसको हमें जहां पे डिफाइन कर देते हैं। पहले हम एक सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि वहां पे सेंटर में लाइन आई है, तो हम चलेंगे जिधर हमने टास्क ऐड किया है एल आई के ऊपर, जहां पे आपने एक सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करनी है स्टाइल इज इक्वल टू, और जहां पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है अगर आपको पता हो, टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसको कर देंगे। हमें वहां पे चाहिए जो टास्क है डॉट कंप्लीटेड, टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ वहां पे जा तो सेंटर में लाइन आ जाएगी, अगर वो कंप्लीटेड है तो वहां पे हम लिखेंगे लाइन थ्रो। लाइन थ्रो होता है कि सेंटर में वो लाइन आ जाएगी, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है। लाइन थ्रो हम जहाँ पे ऐड करेंगे, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो जहां पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, इसका मतलब है वहां पे सेंटर में एक दिखेगी लाइन। अब ये वाला जो है इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, टास्क कंप्लीटेड लिखा है तो कंप्लीटेड कैसे होगा वो हमने इसको बताना है। उससे भी पहले आपने एक ये वाला भी जो बनाया है ना टॉगल टास्क, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ऐसे ही आप छोटे छोटे जहाँ पे ऐसे बना सकते हैं फंक्शंस, उसको बस ऐड करते जाओ। यहाँ पे रिफ्रेश किया,
और अब जहां पे हम चलेंगे एरर के साथ। एरर है टॉगल टास्क, नाम देख लेते हैं। सही है, इंपोर्ट करना है टॉगल टास्क को, जहां से इंपोर्ट करना है ये वाला, तो है तो दोनों सेम ही। सही है, अब आपने टू डू स्लाइस पे आना है, इसी को टॉगल टास्क को कॉपी करना है, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम दूसरे पेज पे जाके इसको यूज कर पाए। अब इसको फिर से रिफ्रेश करो एक बार, जहाँ पे आके चेक करो, टास्क ऐड हो गया। टास्क ऐड हो गया, इसको अभी भूल जाओ। पहले हम जहाँ पे टॉगल पे क्लिक करेंगे, अब जो एरर आएगी हम उसको सॉल्व करेंगे। इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, हम अब इसको यहाँ से इंडेक्स के साथ अपडेट नहीं करेंगे, मतलब वहां पे टॉगल नहीं करेंगे। अब इसका जो अपना कोड है वो लगाते हैं, ये जस्ट इसको सेटअप करने के लिए था। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक टास्क नाम का, स्टेट जाएगी साथ में, डॉट टास्क की स्टेट होगी। पहले तो फाइंड करेगा टास्क को, टास्क डॉट आईडी के साथ। क्या हमारे पास वहां पे कोई टास्क है? ट्रिपल इज इक्वल टू, तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे कि जो पेंडिंग है या कंप्लीटेड है। एक्शन डॉट पे लोड, हमेशा ही पे लोड लगेगा, जितने भी आपने फंक्शंस बनाने पे लोड यूज होगा। एक कंडीशन साथ में लगा देते हैं, इफ नॉट टास्क, ये जरूरी नहीं है फिर भी हम लगा देते हैं। अगर टास्क कोई है, नहीं है वहां पे, टास्क डॉट कंप्लीटेड इसके अंदर हम रख देंगे, नॉट टास्क डॉट कंप्लीटेड। अगर वहां पे कोई भी कंप्लीटेड टास्क नहीं है तो वहां पे हमें जो बाकी टास्क है वो सारे शो हो जाए, कंप्लीटेड को छोड़ के जो कंप्लीट है वो हमें शो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कुछ हम कंडीशन लगाएंगे। पहले इसको चेक करते हैं, ऐड करो, ऐड किया, टॉगल पे क्लिक किया, अभी जहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास जहाँ पे वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही, जहाँ पे ये परफॉर्म नहीं हो रहा। पहले हम इसको सही करते हैं, मुझे लगता है स्पेलिंग गलत है। डैशबोर्ड पे चलेंगे, यहाँ पे डिव है, इधर हमने डिव रखना है, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखे है। पहले हम इसको करेंगे रिफ्रेश ताकि वो एरर ना रहे। कुछ भी ऐड करेंगे यहाँ पे, इस पे क्लिक किया तो नहीं परफॉर्म हो रहा है। मुझे लगता है जहाँ पे मैंने कंडीशन उल्टी लगा दी, जहाँ पे ये वाली यहाँ पे नॉट लगाया ना, वो कंडीशन उल्टी चल रही है। पहले इसको लगा देते हैं, फिर मैं बताऊंगी ये वर्क कैसे करेगा। टास्क ऐड कर दिया, यहाँ पे टॉगल पे क्लिक किया, सेंटर में लाइन आ गई। सेंटर में लाइन आने का मतलब है कि ये वाला टास्क कंप्लीट है। अब पहले इस कंडीशन को समझते हैं, टॉगल होगा कैसे। ये ऊपर हमने लाइन जस्ट सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड किया ताकि मैं इसको बता पाऊँ, मुझे पता हो कि मैंने ये वाला टास्क कर दिया खत्म, ये कंप्लीटेड है। जहाँ पे टास्क को हमने ऐड कर दिया, जो मेरे पास स्टेट होगी मेन, जो हम यूज करते हैं स्टेट, एक एक्शन होता है एक स्टेट, जहाँ पे हमारे मेन टास्क होंगे सारे, डॉट पहले फाइंड करेगा। ये वाला टास्क एक वेरिएबल है जिसको हम यूज करेंगे, कोई भी नाम हो सकता है, ये टास्क इसका एक खुद का वेरिएबल होगा। ये चेक करेगा क्या मेरे पास टास्क डॉट आईडी, इसका मतलब है क्या वो आईडी यहाँ पे है भी है, कोई आईडी इधर है भी है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। वो चेक करेगा एक्शन डॉट पे लोड, अगर दोनों आईडी मैच करिए, दोनों आईडी मैच करने का मतलब है जिसपे मैंने क्लिक किया है एक्चुअल में वहां पे कोई ना कोई टास्क है। अगर है तो यहाँ पे इफ टास्क, अगर वहां पे कोई टास्क है तो उसको कंप्लीट करना है या अनकंप्लीट करना है वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। कंडीशन क्या है? कंडीशन है जे वाली, टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन। अगर मैं पहली एक बार क्लिक करूंगी, अगर वहां पे कंप्लीटेड वाला वर्क करेगा तो वहां पे लाइन थ्रू नजर आएगा, मतलब सेंटर में लाइन नजर आएगी, नहीं तो वहां पे नन, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी नन, मतलब लाइन हट जाएगी। अब ऐसे ही होगा, अगर आपने कंप्लीट करना है तो लाइन आएगी, लाइन हटानी है मतलब ये कंप्लीट नहीं है तो लाइन हट जाएगी। ये होता है हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन, और ये टॉगल करने का है। अभी हम बनाएंगे एडिट का, सेम ही बनेगा जहाँ पे, एक बनाना सीख लो उसके बाद बस आप खुद भी ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए खुद ट्राई किया करो जरूर। यहाँ पे जो हम बनाएंगे इसका नाम रख देते हैं हैंडल एडिट टास्क, ये भी जब भी हमने एडिट करना हो हमेशा ही एक आईडी के साथ एडिट होता है। एडिट करना हो, डिलीट करना हो, कभी भी ये बिना आईडी के साथ नहीं होता, तो हम यहाँ पे आईडी मेंशन करेंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं। जहां पे आना है कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, हैंडल एडिट आईडी के साथ करना है तो आईडी पास करेंगे साथ में। अब ऐसे ही डिस्पैच इसका भी एक बनेगा,
इसका नाम हम रख देते हैं डायरेक्ट ऐड, नहीं होगा ये डायरेक्ट एडिट नहीं होगा। उससे पहले हमने इसको करना है ऑटो फिल, जैसे हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करूँगी, अपडेटेड टास्क, कोई भी नाम देना है, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमेशा प्रॉम्प्ट के साथ काम करते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी, एडिट योर टास्क, यहाँ पे एक स्ट्रिंग नजर आएगी, स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे जो आपके मेन सारे टास्क हैं। पहले फाइंड करो, सबसे पहले फाइंड किया जाता है कि हमारे पास पहले से कोई टास्क है कि नहीं। अगर टास्क है, टास्क डॉट आईडी अगर ट्रिपल इज इक्वल टू है आईडी के साथ, आईडी कौन सी जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है, देन क्वेश्चन मार्क डॉट टेक्स्ट। अब ये हमने क्यों लगाया, पहले मैं इसको ऐसा करके कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी आपने स्पेस नहीं रखनी, साथ में ऐसे ही रखना है। ये भी एक टर्नरी ऑपरेटर की तरह काम करेगा। इफ जो मेरे पास ये वाला है, अगर कोई टास्क अपडेट किया है तो हम इसको कर देंगे डिस्पैच। अगर आपने कोई टास्क अपडेट करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, डिस्पैच करेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं एडिट टास्क, साथ में हम एक भेजेंगे आईडी, यहाँ पे एक आईडी भेजेंगे यहाँ पे, क्योंकि एडिट करना है तो आईडी आएगा, साथ में जाएगा आपका एक जे वाला फंक्शन, कि हमने जे वाले फंक्शन मैंने एक क्रिएट किया है। वहां पे जाके एक बार इसको चेक करो, ये डिफाइन नहीं है, जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है, ये इधर है, इधर हमने गलत बना दिया, ऐसे पता नहीं ये कैसे हो गया। हैंडल एडिट टास्क, अब सही है, अब ये हो गया डिफाइन। अब इसको डिफाइन करना है हमने ये वाला एडिट टास्क को, ठीक है, एक बार फिर से इसको चेक करो, ये हमारे पास हाईलाइट नहीं हो रहा, टास्क आएगा, अब सही है। चलिए अब बस इसको हम डिफाइन करेंगे इधर आके, जैसे आपने ये दो बनाए हुए हैं ऐसे ही एक और बनाओ तीसरा। हमने करना है एडिट, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एंटर कर देते हैं। एडिट करना है टास्क, साथ में पहले जैसे स्टेट एक जाएगी, साथ में एक एक्शन होगा, इसके बीच ऐड करेंगे एक कॉन्स्ट, किसको एडिट करना है जो आईडी होगी वहां पे, और साथ में ये वाला मेरे पास मेरा जो मैंने फंक्शन उधर क्रिएट किया है, मैं चाहती हूँ इसको मैंने एडिट करना, तो ये जाएगा एक्शन डॉट पे लोड। देन कॉन्स्ट यूज करेंगे इंडेक्स नाम का। अब यहाँ पे इंडेक्स काम आएगा जब आपने इसको सिर्फ एडिट करना है, तब यहाँ पे एडिट करते टाइम इंडेक्स काम आएगा। स्टेट डॉट, यहाँ पे जो सारे के सारे आपके टास्क है, पहले तो फाइंड करेगा, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स फाइंड करेगा कि आपकी वैल्यू है कहाँ पे। टास्क जो मेरे पास टास्क डॉट आईडी होगी अगर ट्रिपल इज इक्वल टू है आईडी के साथ, देन अगर तो उसको वो आईडी मिल गई जिसको हमने अपडेट करना है, इफ इंडेक्स ट्रिपल नॉट इज इक्वल टू -1। अब ये इंडेक्स होता है, अब इंडेक्स अगर आपको याद हो जब मैंने स्टार्टिंग में इसको ऐड किया था ना, -1 आ रहा था वहां पे, वो इंडेक्स इसका बाई डिफॉल्ट बनता है। जैसे जैसे आप टास्क ऐड करते जाएंगे ना, ऐड किया, ऐड किया, ये -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, -1 -2 ऐसे माइनस में वैल्यू होती है, ठीक है, वो होता है इंडेक्स। स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसे आ रही थी, वो इसका इंडेक्स था। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा हमारे पास वैल्यू किस इंडेक्स के ऊपर सेव है। अगर इंडेक्स नॉट इज इक्वल टू -1 है, अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, एक होता है -1 एक होता है +1, अगर इसके इक्वल नहीं है, बाद में देखेंगे माइनस प्लस का क्या इसमें रोल है, तो मुझे जहां पे जो मेरे पास टास्क है सारे के सारे टास्क इंडेक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर थी ना हमारे पास वैल्यू, उसको हम कर देंगे अपडेटेड टास्क। अगर आपकी इंडेक्स नॉट इज इक्वल टू -1 है, -1 तब आएगा जब आपके पास वैल्यू नहीं होगी जहां पे, अब ये -1 में है, पहले मेरे पास -1 आ रहा था क्योंकि वहां पे वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी,
अगर आपके पास वैल्यू +1 है, ठीक है, अब +1 कब होगी, जब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू ऐड होगी। अब ये वैल्यू +1 है, ठीक है, इसका मतलब वहां पे कोई वैल्यू है। अगर वहां पे -1 है, वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -1, नॉट इज इक्वल टू मतलब वहां पे वैल्यू +1 होगी। अगर मैं यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 1 लिख दूँ, कोड उल्टा चलेगा तो अपडेट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे वैल्यू प्लस में होगी, तो ये अपडेट वाला कोड चल पड़ेगा। पहले तो हम इसको करते हैं, ये वाला कॉपी करो, इसको यहाँ पे ऐड करो, ऐसे ही जहाँ पे इंपोर्ट करो आगे, इधर इंपोर्ट करना है। पहले इसको करेंगे रिफ्रेश, पहले कुछ ऐड करके देखो, एडिट पे क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास आया है ऑटो फिल हो गई, ये जितना मैंने कोड लगाया हुआ है ना, ये ऑटो फिल के लिए मैंने लगाया था। इधर चलते हैं, यहाँ पे ऑटो फिल वैल्यू किसने की है, जे वाला जो मेरे पास है ना इंडेक्स वाला, पहले तो वो फाइंड करेगा इंडेक्स, अगर वहां पे वैल्यू है कोई ना कोई, उसके अंदर टेक्स्ट को ऐड कर देंगे, टेक्स्ट के अंदर मेरे पास थी वैल्यू। अब आपने आना है जहां पे एडिट वाला है। अब इधर देखो, पहले तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट, जे वाला प्रॉम्प्ट की जगह आप अलर्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपने अलर्ट नहीं लगाना तो आप सिंपल किसी भी पैराग्राफ वगैरह में मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ये ज्यादा सही लगेगा। इसको मैंने बोला था यहाँ पे टास्क फाइंड करेगा डॉट टेक्स्ट। अब जे वाला डॉट टेक्स्ट इसलिए लिखा था, जो भी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू होगी वो ऑटो फिल होके आएगी, ठीक है, ऑटो फिल की वैल्यू ऐड करनी है इसने, जे वाला जो डॉट टेक्स्ट लिखा था, ये कंपल्सरी है, ऑटो फिल होके आएगी तभी हम इसको एडिट कर पाएंगे। अब दूसरी कोई वैल्यू ऐड करते हैं, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटो फिल होके जे वाली वैल्यू आएगी। मैंने यहाँ पे कुछ भी फिल किया, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अपडेट हो गई, दो हो गए हमारे पास, यहाँ पे काम खत्म। अब हम डिलीट वाला करेंगे सेम ऐसे ही, एक बटन है जे वाला डिलीट वाला है, इसको कॉपी कर लो, हैंडल डिलीट टास्क कॉपी, डिलीट। अभी हमने डिलीट करना है, इसका मतलब यहां पे भी एक आईडी आएगी, तो आईडी मेंशन करो, आईडी के बीच जस्ट आपने डिस्पैच बनाना है और कुछ भी नहीं करना, डिस्पैच करेंगे क्योंकि वहां पे हमने ऑटो फिल नहीं करनी वैल्यू, डायरेक्ट डिलीट करनी है। इसका नाम हम रख देते हैं डिलीट टास्क, इसको डिलीट करना है आईडी को, तो आईडी यहाँ पे मेंशन कर दो, इसको कॉपी करो, टू स्लाइस पे आना है अपने, जहां पे कॉमा लगा के डिलीट करना है टास्क। कैसे होगा, हमने पूरी लिस्ट में से इसको बस हटा देना है, तो मेरे पास एक स्टेट जाएगी, एक एक्शन जाएगा, इसके बीच ऐड करेंगे, डिलीट करना है तो जो मेरे पास स्टेट डॉट सारे टास्क हैं उसको स्टेट डॉट टास्क डॉट फिल्टर लगेगा, जब भी डिलीट करना हो, जब अपडेट करना है तो फाइंड इंडेक्स यूज करेंगे, जब हमने डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, वो चेक करेगा किसको डिलीट करना है, टास्क डॉट आईडी को करेंगे नॉट इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये स्टेट के स्पेलिंग सही करते हैं। बस इतना कोड लिखना है, पहले वो डिलीट करके देखते हैं, इसको कॉपी करना है, यहां पे आना है, एक इधर ऐड करना है, एक ऐड करना है टॉप पे, कुछ भी ऐड करो, डिलीट करना है, इस पे क्लिक किया डिलीट हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, वहां पे तो सिंपल है कि ऑन क्लिक के ऊपर डिलीट फंक्शन परफॉर्म कर दिया। सबसे पहले तो आईडी चेक करेगा कि डिलीट करना किसको है, तो आईडी चेक करेगा पहले, स्टेट डॉट टास्क में से हमने डिलीट करना है। अब ये लिखने का मतलब है कि वहां पे डिलीट होने के बाद भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है, जो वैल्यू बची जाएगी उसको डिलीट करेगा, फिल्टर करके करेगा। मेरे पास बहुत सारी आईडीज है यहाँ पे, 4-5 जितने भी है मेरे पास टास्क, तो फिल्टर करेगा किसको डिलीट करना, इसके ऊपर क्लिक किया तो पहले चेक करेगा किसके ऊपर क्लिक हुआ है, हमें ये सब कुछ नहीं पता चलेगा, ये सब इसका बैकएंड है,
चेक करेगा किसके ऊपर हमने क्लिक किया है, उसको जाके डिलीट करेगा फिल्टर करके, यहाँ पे क्लिक किया बाकी जहाँ पे एज इट इज है, ठीक है। इसका मतलब आईडी जहाँ पे काम करेगी। टास्क को डिलीट करना है नॉट इज इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड, इसका मतलब है यहाँ पे मेन समझने वाली बात इस कंडीशन को है कि नॉट इज इक्वल टू हमने लगाया क्यों है। ये पूरे का पूरा फंक्शन काम ऐसे करेगा, ये फिल्टर के अंदर चेक करेगा जो कंडीशन हमने लगाई है, ठीक है, वो नॉट इज इक्वल टू होनी चाहिए उस आईडी के साथ जो हमने एक्शन के अंदर पास की है। मतलब जहां पे मैंने क्लिक किया है तो मतलब जितनी टास्क डिलीट होना चाहिए तो वो आईडी फिल्टर के थ्रू वो चेक करेगा। अगर जो आईडी टास्क की है वो मैच नहीं की एक्शन पेलोड के साथ तो वो हमें सेम रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, अगर वो मैच कर गई तो हमें नया एरे बना के देगा। अगर जहां से इसको आईडी नहीं मिली, हो सकता है वहां पे कोई टास्क नहीं है, ठीक है, मेरे पास सिंपल कोई हो सकता है खाली बटन ही है या कुछ भी इश्यू हो सकता है कि वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं होगा वहां पे, एज इट इज रहेगा, कोई डिलीट ही नहीं होगा, या कोई भी एरर आ जाएगी डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको वो आईडी मिल गई जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है तो इसका मतलब वो वहां से डिलीट हो जाएगा। बस आईडी मैच करने का सारा इसमें इश्यू है कि आईडी कैसे मैच करनी है। अब यहाँ पे जो सीएसएस है वो मैं एज जो पहले थी ऐसे ही ऐड कर देती हूँ, आप इसको अच्छा सा बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपने कुछ भी ऐड करना है, ऐड किया, ऐड वाला कर परफॉर्म हो रहा है, ये वाला मेरे पास है तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये वाले तीन मैंने फिल्टर लगाए हैं, फिल्टर का काम बहुत ही आसान है। हम चलते हैं डैशबोर्ड पे ही जहां पे लगेगा फिल्टर, तीन बटन लगाए हैं, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे फंक्शन सारे जितने भी हैं हमारे पास सारे के सारे टास्क शो होने चाहिए, बेशक वो पेंडिंग है बेशक वो कंप्लीट है, ठीक है। हम जहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक के साथ ही ये काम करेगा। हैंडल फिल्टर इसका नाम हम रख देते हैं चेंज, आपने बस कॉमन एक फंक्शन बनाना है, नाम कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पे चेंज करना है, एक ऑल होगा कॉपी करना है, एक ऑल होगा, एक होगा कंप्लीटेड, एक होगा पेंडिंग, बस यही पहले चेंज करनी है, बाकी ये फंक्शन कॉमन रहेगा, इसको कॉपी कर लो। जहां पे आएंगे कॉन्स्ट क्रिएट करो, यहां पे हम पास करेंगे स्टेटस, स्टेटस मतलब वो पेंडिंग है और जहां पे या फिर कंप्लीटेड है, तो स्टेटस एक पास करेंगे, ये मैंने एक पैरामीटर पास किया है, डिस्पैच करेंगे, इसका भी एक अलग से बनेगा, सेट कर दो फील्ड, कोई भी नाम देना है किसको स्टेटस को, ये नाम जरूरी नहीं स्टेटस रखना है। अब ये वाला कॉपी कर लो आपने, है ना, टू टू स्लाइस पे। फिल्टर हम कैसे लगाएंगे, हम चाहते हैं कि डेटा फिल्टर होके आए, लास्ट पे लगा दो, सेट कर दो फिल्टर को कैसे, यहाँ पे आपने एक स्टेट पास करनी है, एक एक्शन पास करना है जैसे पहले किया था, यहाँ पे हम लिखेंगे जो स्टेट होगी उसमें लगेगा फिल्टर, तो डेटा फिल्टर होके आना चाहिए, तो फिल्टर ही यूज करेंगे, एक्शन डॉट पे लोड साथ में तो जाएगा ही, बस इतना ही लिखना है, अभी ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा डेटा, तो आपने जाना है, अब इन सबको बंद कर देते हैं, स्टोर की भी जरूरत नहीं है, अब आना है अपने डैशबोर्ड पे, डेटा फिल्टर होके आएगा, इसका मतलब सारा काम अब यहाँ पे ही होगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, इसका नाम रखेंगे फिल्टर टास्क, यहाँ पे ऐड करके सारे टास्क जो है मेरे पास, मेरा मेन वेरिएबल और फिल्टर लगाओ, सारे टास्क के ऊपर लगेगा फिल्टर, एक इसका खुद का वेरिएबल कोई भी हो सकता है, टास्क मेंशन कर दो, यहाँ पे आएगी कर्ली ब्रैकेट, इसके बीच लगाएंगे इफ, अगर फिल्टर ट्रिपल इज इक्वल टू हमने सेलेक्ट किया है कंप्लीटेड, ऑल नहीं लगाएंगे, ऑल क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने पहले से ही ऑल लगाया था, शायद आपको याद हो मैंने इसको बोला था कि ऑल मेरे पास बाई डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, स्टार्टिंग में हमने लगाया था, यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे स्टार्टिंग में आपको वही वैल्यू नजर आएगी, तो मैंने जहाँ पे फिल्टर लगा दिया, ये फिल्टर पहले डिफाइन किया था हमने,
अगर तो हमने कंप्लीटेड सिलेक्ट किया है तो हमें रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न करेगा? टास्क डॉट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है ये वाला, तो वो इसके अकॉर्डिंग देखेगा कि हाँ ये कंप्लीटेड है टास्क, इसका मतलब ये शो कराने हैं। अगर फिल्टर को सिलेक्ट किया है पेंडिंग, पेंडिंग वो आएंगे जिसके ऊपर सेंटर में लाइन नहीं रहेगी, तो इसको हम बोल देंगे रिटर्न कर दो नॉट टास्क कंप्लीटेड। बस लास्ट में हमें रिटर्न को रिट्रीव कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम करके सेव, टास्क ऐड करते जाओ। फिल्टर डिफाइन नहीं है कहाँ पे? डैशबोर्ड पे। अच्छा ये वाला फिल्टर टास्क है। अब इसको कॉपी करना है आपने, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो जिधर आपको वैल्यू चाहिए इधर। अब जहां पे टास्क नहीं आएगा, जहां पे हमारा नया वेरिएबल आएगा ये वाला, ऐड करके देखो। फिल्टर अभी भी, अच्छा जहां पे फिल्टर नहीं डिफाइन है। अभी हमारे पास ये तो हो गया, ठीक है। अभी आपके पास एक एरर आएगा ये वाला, जो फिल्टर आ रहा है कि फिल्टर डिफाइन नहीं है। ये फिल्टर हमने किधर डिफाइन किया है? यहाँ पे। इसका मतलब ये हमारे पास रीडक्स के अंदर है ये वाला फिल्टर, तो इसको हमने यूज करना है यहाँ पे। तो ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमने इसको लगाना है। इसको लगाएंगे जहां पे सिलेक्टर है, क्योंकि वहां से सिलेक्ट करेगा, इसका मतलब सिलेक्टर के पीछे लगेगा फिल्टर। बस इतना लिखना है, वो वाली एरर हमारे पास अभी जानी चाहिए। ऐड किया तो ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या फिल्टर काम भी कर रहा है। तो पहले तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। अब मैं इसको बोलूंगी जितने कंप्लीट टास्क हैं वो हमें शो कराओ, तो नहीं करा रहा, वर्क नहीं कर रहा हमारे पास। इंस्पेक्ट ऑन करते हैं, एरर है। देख लेते हैं कौन कौन सा नहीं वर्क कर रहा है। सेट फिल्टर डिफाइन नहीं है, मुझे लगता कोई भी नहीं होगा। पेंडिंग, कंप्लीटेड, ऑल, कोई भी नहीं होगा। मैंने जहाँ पे सेट फिल्टर लगाया है कॉपी कर लो। सेट फिल्टर यहाँ पे आके ये वाला है, इधर तीन डॉट आ रहे हैं ना, इसको अभी तक हमने यूज ही नहीं किया। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इधर जाके मैच करो, यही है नाम, क्योंकि अभी तक इसको इंपोर्ट भी नहीं किया ना ही एक्सपोर्ट किया है। कॉपी करो, यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे आके इंपोर्ट करो। अब देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। जहाँ पे टास्क ऐड करते हैं, दो टास्क ऐड करते हैं, एक को कंप्लीट कर देते हैं, ये कंप्लीट है। अब इसको बोलेंगे जो कंप्लीटेड है वो शो हो जाए, तो हो गए शो। और टास्क ऐड करते हैं, दो तीन कर देते हैं। अब देखो ये सिर्फ कंप्लीटेड हो शो होने हैं। अब जहाँ पे पेंडिंग जितने वो शो कराओ, पेंडिंग हो रहे हैं, ऑल पे क्लिक करने ऑल वाले शो हो जाएंगे। बस ऐसे ही काम करता है रीडक्स। इसी को आप प्रोजेक्ट को अगर नॉर्मल रिएक्ट जेएस में बनाओ बहुत ही आसान होता है, लेकिन आजकल हम रीडक्स यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रीडक्स सीखना हमारे लिए कंपल्सरी है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके समझते जाएंगे, एक एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएंगे, तो आपको रीडक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।